जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधाशोदनन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीराभनचारि यमुनतीराबनचारि जय राध माधवा कुञ्ज बिहारी जय राध माधवा बिहारी জয় গোপী জনবলভা গিরিবর ধারে জয় গোপী জনবলভা গিরিবার ধ यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन पीरावनचारेयम् यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम नय गौरंग जय नीताय गौरंग नीताय गौरंग जय नीताय गौरंगा जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय विष्णु पाद परमहंस परिव्रजगचार्य अष्टोत्तर शिष्य मधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभु पाद की जय स्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्री होल वर्ल्ड जगदगुरु शील प्रभु पाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय गोस्वामी प्रभु की जय प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर दि गौर भक्त की जय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय रीडिङ्ग् फ्रोम् श्रीमद्भागवतं फस्ट् केण्ड् थर्ड केण्ड टु चेप्टर् फिफ्टीन् टेक्स्ट् नम्बर् ट्वेण्टि थ्री यत् न वृजन्ति अगाबिधा रचना अनुवादात यन्ना व्रजन्ति अगबिधो रचना अनुवादात श्रणवंती ये अन्य विषयः कुकथाः मतिग्नि ही ये अन्य विषयाकुकथा मतिग्नि यहा तु श्रुताहा हतभागयि निरभिहि आता सारहा यस्तु भागे यस््रुताहतभागे निर्भिरातसाराता क्षिपती अश्रेशु तमसुहु हंता शिपंती अशरेशु तमसु हंता यन्ना व्रजन्ति अगभिदो रचनानुवादा शुन्वन्ति ये अन्य विषयाकु कथा मतिग्नी यास्तु श्रुताहत भागे निर्भिया तामस्तान शिपंति अशरने शुतम सुहंता व्रजंती अगबिधो रचना नुवादा। शृण्वन्ति ये अन्यविषया कुकथामतिघ्ने <coughs> यास्तु श्रुतहतभागे निर्भियात् सार तां स्तान् क्षिपन्ति अशरणेषु तमसु हन्ता यत वैकुंठ न कभी नहीं मृजंती पहुंचते हैं अध्यभिद सभी प्रकार के पापों के विनाशक रचना सृष्टि का अनुवादात कथन की अपेक्षा शिणवंती सुनते हैं ये जो अन्य दूसरों विषया विषया कुकथा बुरे शब्द मति घनी बुद्धि को मारने वाली यह जो तू लेकिन श्रुता सुना जाता है हत भगई ही अभागे निर्भी मनुष्यों द्वारा आता छीना हुआ सारहा जीवन मूल्य तान, तान ऐसे व्यक्ति क्षिपंती फेंके जाते हैं अशरणेशु समस्त आश्रय से विहीन तमसु संसार के सबसे अंधेरे भाग में हंता हाय अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभु पाद द्वारा अनुवाद यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को मोहग्रस्त करते हैं जो लोग वैकुंठ के विषयों को छोड़कर भौतिक जगत की बातें चलाते हैं वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं कृपा करके दोहराइए यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोगों के विषय में चर्चा नहीं करते अपितु ऐसे विषयों में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को मोहग्रस्त करते हैं जो लोग वैकुंठ के विषयों को छोड़कर भौतिक जगत की बातें चलाते हैं वे अज्ञान के गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी हैं जो आध्यात्मिक जगत के चित्र वैचित्र को नहीं समझ पाते वे वैकुंठ लोकों के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा वैचित्र अवश्य ही भौतिक है ऐसे निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतया शून्य है अथवा दूसरे शब्दों में वह कोई चित्र वैचित्र नहीं है इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुकथा घनी, अर्थात अयोग्य शब्दों द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया है यहाँ पर शून्यवाद तथा आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्सना की गई है क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में जो चित्र वैचित्र पूर्ण है सोच सकते हैं और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं है ऐसा कहा जाता है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं होगा तब इस तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र कैसे हो सकता है इस बात का कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है अर्थ यह नहीं कि वहां दिव्य चित्र वैचित्र नहीं है भागवत में और विशेषतया इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश और वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं वे भाग्यवान हैं वैकुंठ लोगों का चित्र वैचित्र भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने का प्रयास करने की बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं वे इस जगत की जहाँ उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है स्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेका अनेक सम्मेलनों गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं किंतु वे वैकुंठ लोग की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं ओम अज्ञानतिमिंध्या ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मील ये न तस्म श्री गुरव नम नमो ओम कृष्ण कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानन्द श्री गौर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो ये अध्याय इसका शीर्षक है भगवान के साम्राज्य का वर्णन डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड यहां पर ब्रह्मा जी भगवान के साम्राज्य वैकुंठ लोकों का वर्णन कर रहे थे और हमने उसके बारे में सुना वैकुंठ लोक में भगवान का धाम किस प्रकार से बना है वहां पर कौन रहते हैं किस प्रकार से जितने भी भक्त वहां पर भगवत धाम में रहते हैं सबका केंद्र भगवान है यहां तक कि जो जीव जिसने पशु पक्षी का रूप भी धरा है वो भी भगवान की सेवा में तल्लीन है भगवत धाम में सभी चिन्मय है भौतिक जगत में कुछ भी मृत नहीं है ये सब वर्णन हम सुनते आ रहे हैं यहां पर ब्रह्मा जी एक बहुत महत्वपूर्ण कंक्लूजन बता रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं दो प्रकार के लोग हैं एक प्रकार के लोग भाग्यवान हैं और उसके विपरीत जो दूसरे लोग हैं वो अभागे हैं भाग्यवान लोग वो हैं जो भगवान की कथा जो इन वैकुंठ लोगों की कथा भगवान की लीला इन सब की चर्चा करते हैं उसका श्रवण करते हैं वो बड़े भाग्यवान हैं और जो लोग वैकुंठ धाम की उसके वर्णनों को छोड़कर जो कुकथा में लगे रहते हैं बुरे शब्दों की कथा भौतिक कथाओं में जो लगे हुए हैं इस प्रकार के लोग अभागे हैं दे आर अनफॉर्चुनेट तो यहां पर इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है उसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पर कहा है ये अन्य श्रृणवंती विषया कुकथा मति घनी जो लोग भगवान के वैकुंठ धाम के वर्णनों को छोड़कर अन्य विषय बाकी सभी विषयों में रुचि रखते हैं और जो इस प्रकार से चर्चा करते हैं किस चीज की चर्चा करते हैं कुकथा जो शब्द योग्य नहीं है उन शब्दों को बोलते हैं वो क्या है मति घनी इस प्रकार की भौतिक विषयों की कथाओं में रुचि रखने से और चर्चा करने से उनकी मति बिविल्डर हो जाती है बिल्कुल जो है मोहग्रस्त हो जाती है आगे बताया है व्रजंती अभिधो रचनानुवादा अनुवादा शुणवंती जो वैकुंठ धाम की व्रजंती का मतलब होता है उसको सुनना या उसकी तरफ समझने का प्रयास करना जो वैकुंठ धाम की चर्चाओं को सुनने का या उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं इस प्रकार के लोग और जो कुकथाओं में रुचि दिखाते हैं उनकी मति ग्रस्त हो जाती है मोहग्रस्त हो जाती है और क्या होता है आगे यह भी बताया है या श्रुता हत भागेर इनका भाग्य अभागा हो चुका है दे हैव बिकम वेरी अनफॉर्चुनेट और शिपंती शरणेशु तमसु हंता कह रहे हैं कि यह बड़े सोचने की बात है बड़ी सोचनीय है अलास हाय ऐसी लोगों की उसका फल क्या होगा जो लोग भगवान की कथाओं को के कु कुकथा में अपना मन लगाते हैं उसका फल क्या होगा उसका फल ये होगा शिपंती उनको फेंक दिया जाता है कहा अशरणेशु जहां पर उन्हें कोई शरण प्राप्त नहीं होगी कौन सी जगह तमहसु इस भौतिक संसार के घोर अंधकार की जगहों में इस प्रकार के जीवों को छोड़ दिया जाता है ये जो है भगवान की कथाओं को छोड़कर जो कु कथाओं में रुचि दिखाते हैं जो उसकी चर्चा करते हैं उसका फल ये होता है अब चॉइस हमारी है रिजल्ट तो यहां पर बता दिया है ब्रह्मा जी ने बता दिया है जो लोग भाग्यवान हैं जो अभागे हैं ये कौन है भाग्यवान लोग भगवान की वैकुंठ लोग की वार्ताओं में भगवान की लीलाओं में भगवान की कथाओं में रुचि रखते हैं उसका फल क्या होगा उसके फल स्वरूप भौतिक संसार के कलमशों से जो टेम्परेरी संसार है दुखालय है इससे छुटकारा भी मिलेगा छुटकारा मिलने के साथ में परमानेंट आश्रय प्राप्त होगा भगवान का सनातन धाम में आश्रय प्राप्त होगा परमानेंट भगवान की सेवा हमें प्राप्त होगी कौन नहीं चाहेगा जरा सोच करके विचार कीजिए इस भौतिक संसार में भी हम लोगों ने देखा है हम लोगों की मेंटेलिटी क्या है हम लोगों की मेंटेलिटी है सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए क्यों गवर्नमेंट सर्विस से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है अभी रिसेंटली मैं एक जियो का सिम लेने के लिए गया था तो वहां पर एक वार्तालाप चल रही थी एक कस्टमर जो है जो जियो सिम दे रहा था उसके साथ में झगड़ा कर रहा था झगड़ा करते हुए उसको सबसे पहले बोलता अरे तुम गवर्नमेंट जैसे तुम गवर्नमेंट में नौकरी करते उस प्रकार से तुम बिहेव कर रहे हो मतलब क्या है गवर्नमेंट में जो सर्विस करता है वो कस्टमर के साथ कैसा भी बिहेव कर लेता है क्योंकि उसको पता है इतनी जल्दी मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टर में अगर कस्टमर जो है ऊपर तक अगर उसकी कंप्लेंट कर देता है तो थोड़े समय के बाद में हो सकता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया जाए क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में प्राइवेट कंपनियां बहुत सोचती हैं है। जो बताना चाहता हूं इस संसार में भी हम लोग देखते हैं कि लोग सरकारी नौकरी क्यों प्राप्त करना चाहते हैं वो एक प्रकार से उनको लगता है परमानेंट है परमानेंट प्रकार का जॉब है ये इधर उधर जॉब करना इधर से निकाल दिया उधर से निकाल दिया लोगों को उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है इसी प्रकार से हमें सोचना है इस भौतिक संसार से जब हमारे प्राण छूटेंगे हम टेम्परेरी वर्ल्ड में दोबारा आएंगे या हमें कुछ सनातन परमानेंट आश्रय प्राप्त होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर बताया है जो कुकथाओं में इंटरेस्ट दिखाते हैं कुकथा का मतलब होता है जो योग्य नहीं है जो कथाएं जिसका कोई मतलब नहीं है जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है जरा बताओ उसका क्या फायदा है कोई करेगा मान लो आपको मैं कहूं दिन रात मेहनत करो दिन रात मेहनत करने के बाद में एक बड़ी बिल्डिंग बनाओ इमारत खड़ी करो और इमारत बनने के बाद में मैं उसमें आग लगा दूंगा कोई इंटरेस्ट लेगा इतना घोर परिश्रम करके बड़ी इमारत बनाऊंगा और बाद में उसमें आग लगा देंगे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा लेकिन एक्चुअली इसी प्रकार से है भौतिक संसार में हम लोग ऐसे विषयों में ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है जो अयोग्य है जिसका कोई योग नहीं है जिससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है कुछ मिलेगा भी नहीं और यहां पर बताया क्या क्या होगा उससे उससे हमारी घनी हमारी इंटेलिजेंस मोहग्रस्त हो जाएगी हमारी बुद्धि मोहग्रस्त हो जाएगी दूसरा क्या होगा यहां पर बताया गया है हमें भौतिक संसार छोड़ने के बाद में अंधकार की जगह पर भौतिक संसार में भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर कम से कम टेम्परेरीली आप बोलोगे हां मैं मजे में हूं भौतिक संसार में भी ऐसे अंधकार की जगहों में फेंक दिया जाएगा ये जो है कुकथाओं में रुचि और उसके ऊपर चर्चा करने का फल है तो प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कुकथा क्या है कुकथाएं भी अनेकों प्रकार की होती है कुकथा मतलब अयोग्य जिसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको जो योग्य नहीं है यूजलेस जिसको बोलते हैं वेस्ट तो दो प्रकार की हैं एक जो भौतिक विषयों में आनंद लेता है वो एक प्रकार की कुकथा है अयोग्य उसका कोई मिलेगा नहीं हमें मान लीजिए हम लोग टेम्परेरीली भौतिक संसार में इंटरेस्ट दिखाते हैं भौतिक तरक्की करना चाहते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहते हैं हमारी कंडीशन सुधारना चाहते हैं कि आज मैं गरीब हूं आज मुझे सही प्रकार का भोजन नहीं मिल रहा है मेरी स्थिति थोड़ी सुधर जाए बढ़िया हो जाए अच्छी हो जाए सोसाइटी में, में मेरा कुछ नाम हो जाए लेकिन हमें यह ज्ञान नहीं है कि हमारा नाम हमारी जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं हम लोगों ने बनाई हैं, सब टेम्परेरी है सब लोगों ने हिस्ट्री में भी इतिहास में भी इस प्रकार का प्रयास किया है ब्रिटिश साम्राज्य को कहा जाता था ये ऐसा साम्राज्य है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है आज उसका भी सूर्य अस्त हो गया कहां है ब्रिटिश साम्राज्य कहां पर रह गया है केवल एक छोटे से ब्रिटेन में रह गया है नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य सब जगह फैल गया था भारत में भी अंग्रेजों का राज था आज वो अस्त हो गया है कहां गया नेपोलियन कहां गया हिटलर बड़े बड़े साम्राज्य उन्होंने खड़े किए थे बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी करी थी सब चली गई तो ये एक प्रकार की कुकथा है भौतिकतावाद में आनंद लेने की ये एक प्रकार की है इससे कुछ मिलने वाला नहीं है फायदा क्या होगा इस भौतिक संसार में जो भी हमने किया है जो भी हमने कमाया है जो भी हम लोगों ने अर्जित किया है सब एक दिन छोड़ करके शून्य दोबारा हम लोग जो है जीरो से दोबारा प्रारंभ करना पड़ेगा हम नहीं कह सकते कि मैंने पिछले जन्म के अंदर में मैंने डिग्री प्राप्त की थी इसलिए अब जो है मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूं नहीं हमें दोबारा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा हम नहीं कह सकते हैं कि हमने जो है बड़ा बैंक बैलेंस बनाया था मेरे बैंक के अंदर में करोड़ों रुपए थे अगले जीवन में कुछ नहीं मिलेगा अगले जीवन में दोबारा हमें शुरुआत करनी पड़ेगी मतलब क्या है सब टेम्परेरी है तो जो लोग भौतिकतावाद में जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जो व्यक्ति इस भौतिक टेम्परेरी संसार में आर्थिक विकास करना चाहते हैं यह भी एक प्रकार की कुकथा है उस प्रकार के विषयों में मन लगाना वो भी एक कुकथा है क्योंकि कुछ फल मिलेगा नहीं मिलेगा तो टेम्परेरी फल मिलेगा दूसरी जो कुकथा है जो बहुत ही डरावनी है वो है जो आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं भौतिकतावाद को छोड़ दिया है कि नहीं ये तो बेकार है टेम्परेरी है अब मैं परमानेंट की तरफ जाना चाहता हूं वो तो उसको आइडिया आ गया है लेकिन आध्यात्मिकतावाद में दोबारा जो है उसने सही प्रकार से क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हुआ है आध्यात्मिकता सही क्या है तो दोबारा उसकी मति ग्रस्त हो गई है इस प्रकार का व्यक्ति जो अध्यात्मिकता में भी मोह ग्रस्त हो चुका है वो भी एक प्रकार की कुकथा है भौतिकतावाद में एक व्यक्ति डूबा हुआ है उस प्रकार के विषयों में लगा हुआ है उस प्रकार के विषयों की चर्चा करता है आर्थिक विकास के बारे में बोलता है बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता है चर्चाएं करता है पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, सोशल मीटिंग होती है सोशल वेलफेयर काम होते हैं सामाजिक कार्य होते हैं ये एक प्रकार की कुकथा है दूसरी जो इन सब चीजों को छोड़ चुका है वो कहता है कि ये भौतिक संसार टेम्परेरी है जगत मिथ्या यह सब जगत मिथ्या है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहता हूं लेकिन इस जगत को मिथ्या कह करके ब्रह्मन को सत्य कह करके असली ब्रह्मन को जो नहीं समझ सकता है जो सोचता है कि ब्रह्मन क्या है उसमें कोई वेराइटीज नहीं है उसमें कोई वेराइटीज नहीं है उसे कहते हैं निर्विशेषवादी वैरायटी जिसे विशेष बोलते हैं विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स वैरायटीज चैत्र वे वैचर्य हिंदी में उसको कहते हैं जो ऐसा सोचता है वो भी कु कथा में लगा है और जो ऐसा सोचता है कि भाई ठीक है उसमें वैरायटी नहीं है सब कुछ निराकार है निर्गुण है और जो इस कंक्लूशन पर आता है सब शून्य है जीरो है वो भी एक प्रकार की कुकथा है तो देखिए दो प्रकार की कुकथाएं हो गई एक हो गई वैकुंठ लोक की वार्ता को तो भूली गया है भगवान के धाम में भगवान के वैकुंठ प्लैनेट उसकी जो वैरायटी है उसके डिस्क्रिप्शन को तो भूल गया है वो डिस्क्रिप्शन में कम से कम मटेरियल लोग लगे हैं हाँ अमेरिका इतना सुंदर देश है बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहां पर रोड बहुत बढ़िया है वहां पर बड़े आराम का जीवन है ये भौतिक कथाओं में लगे हैं जो एडवांस कंट्रीज हैं उसके बारे में विचार करना हम भी आर्थिकता बढ़ाएंगे हम भी डेवलप्ड नेशन होंगे है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो एक प्रकार की कथा चल रही है वो एक प्रकार की कुकथा है दूसरी कुकथा है जो इस भौतिक संसार को ये सब टेम्परेरी है क्या आर्थिक विकास सब टेम्परेरी है ये सब छोड़ दिया है लेकिन रियलिटी क्या है उसको ज्ञान नहीं है असलियत क्या है वो उसको ज्ञान नहीं हुआ है फिर क्या फायदा हुआ और असलियत में भी वो मोहग्रस्त है वो सोचता है स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक मतलब भौतिक का उल्टा वो ऐसा सोच रहा है आध्यात्मिक मतलब भौतिक का उल्टा जो भौतिकतावाद में है वो आध्यात्मिकता में नहीं होना चाहिए तो वो क्या सोचता है भौतिकतावाद में रूप है फॉर्म है मतलब क्या है आध्यात्मिकता में निराकार भौतिक संसार में रिलेशनशिप्स है मैं हूं पत्नी है बच्चे हैं मेरे रिलेटिव्स हैं सगे संबंधी हैं मेरे मित्र हैं अनेकों प्रकार की हमारे सगे संबंधी हैं हमारे संबंध होते हैं रिलेशनशिप्स होती है तो ये व्यक्ति क्या सोचता है इसमें परेशान हो चुका है ये ये मटेरियल रूपों को देख करके परेशान हो चुका है वो सोचता है मैंने किसी से प्रेम किया था वो मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ करके चली गई मेरे मां बाप के ऊपर मुझे बड़ा गर्व था लेकिन मेरे मां बाप ने मुझे त्याग दिया मेरे लिए उन्होंने क्या किया माता पिता सोचते हैं मेरे को अपने बच्चों से बड़ी उम्मीद थी बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे मेरी लाठी बनेंगे सब कुछ छोड़ करके चला गया कहीं पर विदेश में जाकर के बस गया तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के संबंधों में हम अपना विकास करना चाहते हैं लेकिन फाइनली फ्रस्ट्रेशन मिलता है तब लोग सोचते हैं कि ये सब बेकार है एक स्टोरी है ना आप लोगों ने सबने बचपन में पढ़ी होगी एक लॉमडी फॉक्स वो अंगूर खाने के लिए जाती है ग्रेप्स उसको खाने के लिए जाती है वो क्या था पेड़ थोड़ा ऊंचा था उसे ग्रेप्स बड़े पसंद आए बढ़िया लगे तो उसने क्या किया कूदना शुरू किया जंप मारना शुरू किया कूदते कूदते टाइम बीत गया लेकिन फिर भी ग्रेप्स जो है अंगूर उसके मुंह में नहीं आए क्योंकि बहुत ऊपर थे फाइनली लोमड़ी का क्या कंक्लूजन आया ग्रेप्स आर सावर बेकार है इसके लिए प्रयास करना बेकार है सब खट्टे अंगूर हैं क्या फायदा है यही ये निर्विशेषवादी जो लोग हैं भौतिक संसार को एंजॉय करना चाहते हैं पहले बहुत एंजॉय करने का प्रयास किया प्रयास किया प्रयास किया बाद में बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं सब वेस्ट है सब बेकार है ये इनकी फिलॉसफी है इसके लिए इसके कारण क्योंकि ये लोग भौतिक चीजों से इस प्रकार से परेशान हो गए हैं वो लोग सोच रहे हैं कि बस हो गया ये सब दोबारा अगर उनको बताया जाए कि भाई वैकुंठ लोक में भी रिलेशनशिप है डर जाता है भयभीत हो जाता है अरे बाप रे, इस भौतिक संसार में मैंने इतने पापड़ बेले इतना परेशान था अनेकों प्रकार के संबंध थे इन सबसे मैं परेशान था अब मैं सोच रहा था कि कम से कम इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा और आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार में भी रिलेशनशिप है वहां पर भी लोग हैं वहां पर भी रूप है वहां पर भी वैरायटीज़ हैं, तो ये लोग डर जाते हैं भयभीत हो जाते हैं क्योंकि बैड एक्सपीरियंस हो गया है इन लोगों का भौतिक संसार में अंगूर को खाने की कोशिश की बहुत कोशिश की नहीं मिला इसलिए अब इनका कंक्लूजन आ गया खट्टे हैं अंगूर कोई भी अंगूर सब खट्टे हैं जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा आप ट्राई कीजिए कभी डेली मैं मान लो आपको खीर दूं खीर को इंग्लिश में कहते हैं स्वीट राइस डेली मैं आपको खीर दूं एक महीने दो महीने एक साल तक मान लो डेली उस खीर के अंदर में कुछ सैंड के रेती के दाने डाल दूं या कुछ पत्थर डाल दूं कंकड़ डाल दूं आप डेली खा रहे हैं स्वीटनेस भी आ रही है लेकिन आपका मजा खराब हो जाता है बार बार खाते हैं बार बार आपका मुंह में स्वाद खराब हो जाता है आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा स्वीट राइस मतलब कंकड़ से भरा हुआ है इट इज फिल्ड विद ग्रेन सैंड एंड स्टोन वो आपका कंक्लूजन निकलेगा मैं अगर आपसे कहूं एक साल के बाद में नहीं भाई आपको मैं ऐसा स्वीट राइस दूंगा जिसमें पत्थर नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव आप विश्वास नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं ये बैड एक्सपीरियंस वाले लोग हैं भौतिक संसार में बैड एक्सपीरियंस हो गया है इसलिए अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं दे वॉन्ट टू मर्ज इन टू गॉड कि भगवान बस वहां पर कोई वैरायटी नहीं मैं जस्ट आपके अंदर में विलीन होना चाहता हूं ये है मतलब क्या है जो व्यक्ति अनहेल्दी कंडीशन में है बीमार है बीमार पड़ा हुआ है ठीक है एक आदमी बीमार है उसको हृदय का रोग है किडनी का रोग है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है बहुत सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता है आप उसको खाने के लिए दिए वो भी एंजॉय नहीं कर सकता है रसगुल्ला नहीं खा सकता है खेल नहीं सकता है बाहर नहीं जा सकता है लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर सकता है ऐसे लोगों के लिए क्या है जीवन बेकार है तो अगर आप उसे बताएंगे एक दिन आप हेल्दी हो सकेंगे एक दिन आप सारी डिजीज से बाहर आ पाएंगे देन यू कैन एंजॉय ही कैनॉट अंडरस्टैंड ही कैनॉट अप्रीशिएट वो क्या सोचता है बस हो गया अब मैं अपना जीवन अंत करना चाहता हूं बस फिनिश सब छोड़ देना चाहता हूं यह जो है दूसरी प्रकार की कुकथा है ये यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं यह सबसे भयानक कुकथा है इन कुकथाओं को बिल्कुल मत सुनो चैतन्य महाप्रभु ने वार्निंग दी है क्या कहते हैं मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश आध्यात्मिक जीवन में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं इन मायावादी की वार्ता को अगर हम लोग सुन ले इनकी फिलॉसफी को अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हमारी मति भी घनी हो जाएगी ये यह यहां पर बताया गया है इस प्रकार की कथाओं को सुनने से हमारी बुद्धि मोहग्रस्त हो जाएगी बिबिल्डर हो जाएगी हम लोग आध्यात्मिक सब्जेक्ट मैटर को नहीं समझ पाएंगे तो ये जो है प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं। इसके लिए प्रभुपाद एक सरल सा उदाहरण देते हैं ये मायावादी लोग कितने मूर्ख हैं ये जो निर्विशेषवादी हैं शून्यवादी हैं, जो सोचते हैं कि जो आप भागवत में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है वैकुंठ लोक में विमान है वैकुंठ लोक में लोग हैं पशु हैं पक्षी हैं सब वेराइटी हैं वो लोग सोचते हैं वो सब भी माया है इसलिए इनको मायावादी कहते हैं सब माया है संसार में भी माया है वो जो तुम वैकुंठ लोक की वार्ता कर रहे वो भी माया है मतलब क्या है उन्हें कोई फल नहीं मिलता और रिजल्ट क्या होता है इसके रिजल्ट होने के कारण इस भौतिक संसार के अंधकार में उनको जो है फेंक दिया जाता है शिपंती यहां पर क्या कहा गया है शिपंती अशरणेशु तमहसु जहां पर उनको कोई शरण मिलने वाली नहीं है विदाउट शेल्टर और डार्केस्ट रीजन में उनको फेंक दिया जाता है प्रभु तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली लॉजिकली अगर हम लोग समझने का प्रयास करें लॉजिकली भी हम लोग समझ सकते हैं ये भौतिक संसार वेदों में बताया गया है ये रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का उल्टा रिफ्लेक्शन है इट इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड भौतिक संसार भगवत गीता में भी बताया है तो मतलब क्या है ये जो वैरायटीज़ है स्पिरिचुअल इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर रिफ्लेक्शन में वैरायटी है वो कहां से आ सकती है बताइए अगर ओरिजिनल में वैरायटी नहीं है रिफ्लेक्शन में कहां से वैरायटी आ जाएंगी अगर आप मिरर में अपना फेस देखिए आप ओरिजिनली आपका फेस है इसलिए आपको रिफ्लेक्शन में फेस नजर आएगा इसी प्रकार से अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो ओरिजिनल है उसमें वैरायटी नहीं है भौतिक संसार में वैरायटी कहां से आ जाएगी विभिन्नताएं चैत्र वैचर्य कहां से आ जाएगा चेत्र यह सिंपल सा लॉजिक प्रभु जी जो है बताते हैं एक्चुअली इन वैरायटीज को देख करके हमें केवल एक ही चीज समझनी है भौतिक संसार से हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं ये ये लोग भौतिक संसार से सीख नहीं सीखते हैं लेसन नहीं सीखते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग लेसन सीखते हैं वो लेसन क्या है मेटीरियल वर्ल्ड में भौतिक संसार में वैरायटी है लेकिन यह वैरायटी रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन को भोगने का कोई फायदा नहीं है उसमें कुछ मिलेगा नहीं एक आम का पेड़ है एक आम के पेड़ का रिफ्लेक्शन है आपको मैं कहूं आपको बड़ी भूख लगी है एक काम कीजिए यह जो पानी के अंदर में आम का पेड़ है उसकी शेडो पड़ रही है उसमें जाकर के आम तोड़ लीजिए आपको आम जैसा लगता है और आपको उसके पीछे भागने में भी मजा आता है लेकिन वो चीज आपको नहीं मिलने वाली है। आम नहीं मिलेगा आम का स्वाद नहीं मिलेगा आपकी भूख नहीं जाएगी बाकी सब है आपको मजा आ रहा है आम है दिख रहा है आप उसके पीछे भाग भी रही हैं, यही भौतिक संसार के सुख हैं असली सुख स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो रिलेशनशिप है वहां पर भी मां है वहां पर भी बाप है वहां पर भी प्रेमिका है वहां पर भी पति पत्नी है सब चीजें हैं अब देखिए वृंदावन में भगवान ने अपनी लीला दिखाई गोपियां हैं गोपी के पति हैं गोपियों का भगवान के साथ में अनेकों प्रकार के संबंध हैं गोप बालाओं के हैं गोप के हैं नंद महाराज का भी संबंध है पिता के रूप में किसी का संबंध मित्र के रूप में है किसी का संबंध सखा के रूप में है किसी का संबंध भगवान के साथ में द्वारका में पति पत्नी के रूप में है किसी का संबंध प्रेमिका के रूप में है सभी प्रकार के संबंध आध्यात्मिक संसार में है डिफरेंस इतना है वहां पर सेंटर भगवान है सब चीजों का सेंटर भगवान है गोपियों के पति हैं लेकिन उनका आकर्षण भगवान के प्रति है वो सेंटर है यह स्पिरिचुअल वर्ल्ड है आध्यात्मिक संसार है और वहां पर जितने भी रिलेशंस हैं उन सब में असली आनंद मिलता है बिना वैरायटी के आनंद कहां है बताइए भौतिक संसार में भी आप देख लीजिए आपको मैं कहूं डेली एक ही ब्रेकफास्ट खाइए डेली आपको इडली मिलेगी आप परेशान हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद में बोलेंगे भाई कुछ और तो दो मुझे है कि नहीं Give me some variety. इसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार में अकेले जी सकते हैं क्या ट्राई कीजिए अभी कोरोना के टाइम में ही हम लोग कितने परेशान हो गए थे लॉकडाउन में नहीं घर के अंदर में रहना हम लोग परेशान हो गए जैसे ही लॉकडाउन खुला आप देखिए लोग कैसे जा रहे हैं मतलब क्या है हम सोशल बींग हैं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं अकेले में आप एक रूम के अंदर में बंद करके रह जाइए मेंटल हो जाएंगे थोड़े दिन के बाद में मेंटल हो जाएंगे इसलिए जेल के अंदर में अकेले में बंद किया जाता है ताकि आपको दिमाग के ऊपर असर पड़े पनिशमेंट की तरीके से नहीं तो हम लोग समाज में रहना चाहते हैं हमें केवल क्या समझना है भौतिक संसार से यह जो इस भौतिक संसार में है यह शैडो है यह केवल प्रतिबिंब है और वह भी उल्टा प्रतिबिंब है इट इज अपसाइड डाउन शैडो असलियत कहां है वैकुंठ धाम में है जब हम लोग डेजर्ट में रेगिस्थान में मरुस्थल में हमें जो है दिखता है कि पानी है करेक्ट उसको बोलते हैं मिराज तो मिराज हमको गलत फहमी देता है पानी है उससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कहीं और पर रियल पानी है हमें केवल इतना समझना है भौतिक संसार से उसकी वार्ताओं में नहीं लगना है उस फॉल्स रियलिटी के पीछे भागना नहीं है क्योंकि सब इस भौतिक संसार में टेम्परेरी रिलेशंस हैं टेम्परेरी आनंद है आनंद है लेकिन टेम्परेरी है आदि अंत शुरुआत है एंड हो जाता है इन सब का रियलिटी ओरिजिनल में भगवत धाम वैकुंठ धाम में है ये यहां पर बताया गया है तो जो लोग भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट लगाते हैं भगवान के साम्राज्य में जो भगवान का राज्य बताया गया वैकुंठ धाम की वार्ता करते हैं कृष्ण कथा में इंटरेस्ट रुचि रखते हैं उसके बारे में सुनते हैं शरणवंती उसके बारे में लोगों से चर्चा करते हैं वो बड़े भाग्यवान है दे आर वेरी फॉर्चुनेट क्यों क्योंकि केवल भगवान की कथाओं की वार्ता मात्र करने से जस्ट बाई डिस्कसिंग जस्ट बाई हियरिंग श्रवण मात्र करने से इन भौतिक दुखों से कलमशों से छुटकारा मिल जाता है और परमानेंटली भगवत धाम में हमें जो है स्थान मिल जाता है भगवान की सेवा में यह जो है भगवान की कथा अमृत उसका जो है लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं तो जब भी आपको समय मिले समय मत गवाइए क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है एवरी सेकेंड वेस्टेड एवरी मिनट वेस्टेड इज अवर लाइफ वेस्टेड चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक क्षण भी जो चला गया आपके जीवन से वो क्षण आप करोड़ों रुपए देकर के भी स्वर्ण की मुद्राएं देकर के भी वापस नहीं ले सकते हैं तो समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए समय उस तरफ मत लगाइए जहां इन्वेस्टमेंट हम लोग कहां करते हैं इन्वेस्टमेंट वहां कीजिए जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिले कुकथाओं में हमारा समय बर्बाद करेंगे इस प्रकार के विषय में तो हमें इंटरेस्ट के साथ में तो छोड़िए इंटरेस्ट के साथ में हमें क्या मिलने वाला है नरकवास मिलेगा यह यहां पर बताया गया है और अगर हम लोग सुकथाओं में कृष्ण कथा अमृत में अपना समय लगाते हैं थोड़ा भी समय मिलाते हैं थोड़ा भी समय लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में हमें इस भौतिक संसार के कलमशों से छुटकारा भी मिलेगा भगवत धाम में एंट्री मिलेगी और वहां पर परमानेंट भगवत सेवा में भाग लेने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा इसलिए यहां पर बताया गया है जो भगवान की वार्ता में इंटरेस्ट लेते हैं वो भाग्यवान हैं और जो कुकथाओं में इंटरेस्ट लेते हैं उनका भाग्य फूटा हुआ है अभाग्यवान है तो यहां पर हम समाप्त करेंगे ग्रंथ भागवतम की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय